वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? आज ने वीडियो करने शुरू तू सामने आने उतो आज पता नहीं कुथा करता हो। आज मैं करता जी अपने किचन में, आज मैं बनाने गया जी स्टीम रोस्ट। ठीक है, आज मैं इसकी ना नाल वीडियो बनाई है कि शुगर लिया, चलो एक वीडियो बनी जाती ते नाले तुसा कि दसा कि मैं किस तरीके ना बनाना है। सारे ना अपना अपना तरीका होना ते तुसा कि तेला ने आवाज नहीं होती कड़कने नहीं। बाकी है कि जी तुसा कि दसना कुछ है सारा है जी चिकन। चिकन ही असं करी दियां बड़ियां बड़ियां बुटियां, ठीक है, बड़े बड़े पीस। ठीक है जी, स्टीम रोस्ट होने इसी अस जनाब सिरके विच पानिया विच ते नमक विच डबोई रखे कम से कम 15 मिनट। ठीक है, नाल इसने लगा सी जनाब अदरक ते लसन पेस्ट भी उसने पानिया विच भी। ठीक है, 20 मिनट कड़ी, बाकी तक है बिल्कुल साफ सूफ हो गया, कोई खून शून खून गया, बिल्कुल साफ हो गया। ठीक है, अगला थोड़ा जहाँ प्रोसेस है ना वो है तेला विच है, क्योंकि हल्का जहाँ थोड़ा थोड़ा फ्राई कर सा तो बाद इसकी मसाला लाई तो इंशाल्लाह फिर इस स्टीम वैसा जरा ना रखी छोड़ता है जी। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल है हल्का हल्का फ्राई करना, मतलब है हल्का हल्का कलर रखना चाहिए, ज्यादा नहीं, ज्यादा रखे तो कम खराब हो जाए। अच्छा, तो इतने पीस पू गए क्योंकि ज्यादा नहीं गुंजाइश पौनी थी। फ्राई करने का मकसद यह है जी कि इसमें एक तो खून जरा बिच होती ना वो थोड़ा खत्म हो जाती, नाले दूसरी गल है कि इसमें स्मेल जी है ना वो खत्म हो जाती, तो त्री चीज़ यह है कि इसका स्टीम कसो ना ये टूटो नहीं गया अल्लाह ने तुम्हारा, तो दूसरा कसो कच्चा वो भी थोड़ा भजने का खतरा होना। मैं थोड़ा जो और तकरीबन 5 से 6 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल अलगी आंच पर। और गल के जिसे तुस बनाओ ना इसने ड्रम स्टिकन जी होनी ना इसने जो मसल होने ना पट्ठे है तो किसी कम होने गुठे को कप्पी होगा, इसने कपड़े ने मकसद ये होना कि जिस तरह ये स्टीम होती ना या रोस्ट होती तो जिस तरह इसकी छिक पैनी ना तो इसने फिर भजने का खतरा होना, जिस तरह ये कप्पे वह ना तो फिर ये होना कि फिर जरा ना ये भजसी ना ये मतलब डैमेज नहीं हो गया। ठीक है, इस मारा तो किसी को मैं पट्ठे कप्पे वे इसने, बाकी तुम जरा बिच पाया उसने भी मैं तुम्हें लुक दसा कि किस तरह होगा फिर। ठीक है, इस तरह लुक इसने दसी यह फिर टुटन नहीं गया, पट्ठे होने का चिकन होना ना जब तेल जाना तो चिकन जाना चिक पैनी ना फिर डैमेज हो जाना। बस जी तकरीबन 5 मिनट हो गए उन्हें कि कटने एक एक पीस करी जाए तो ज्यादा आप नहीं करते। सारा करी चिंता और फिर तुम दसने। ठीक है जी, हाँ जी दोस्तों, एक तो अस मुकम्मल करी उड़िया। ठीक है जी, हूँ जरा दूआ स्टार्टिंग है तो दूसरी गल है कि इसकी फ्राई तुम बिल्कुल तेज आंच पर करना, हल्की आंच पर नहीं करना, जो हल्की आंच पर किता ने तो यह भजी जाती, जितना तेज करो उतना यह ज्यादा सख्ती ना जरा फ्राई होती, सिर्फ 5 मिनट वैसे 5 से 6 मिनट से ज्यादा अच्छी नहीं करना। दोस्तों सा चिकन हो गया जी फ्राई, ऐसा की सकने उसकी फ्राई भी करी सकने हो तो उसकी बॉयल भी करी सकना जिस तरह तुम्हारी मर्जी है, पर फ्राई कर सो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बाकी हूँ ठंडा होती तो फिर इसने वैसा मसाला तैयार कर सो और इस तरह की इंशाला प्रोसैस कर सो। ठीक है जी, बस आखिरी पोर रही गया सा साढ़े को मसाले जो नींबू ने त्रै अदद तंदूरी मसाला सुरख मिर्च अदरक पाउडर गरम मसाला दड़ा मिर्च लसन तो काली मिर्च, इस तो अलावा जनाब हरी मिर्च भी तुम बाही सकने उसने बिच तो मैं तो इे बस हाँ मसाले फिलहाल, क्योंकि एक तिल चाहिए होने वो फिलहाल मार को तिलों तो बगैर ही बना सौ। ठीक है, तो दही है जी, दही पैकेट वाला दही बिल्कुल खटास तो बगैर ये असं इस्तेमाल कर सौ, मसाले मिक्स करने या फिर तुम्हें दसने बने जी। पहले दही पकी सकते हो बिल्कुल प्लेन दही, दही है प्लेन बिल्कुल प्लेन। ठीक है, तकरीबन उसी 2 कप अंदाजन गर्म मसाला पाने हैं जी,
गाढ़ा मर्च, अदरक पाउडर, लहसुन इतना काफ़ी है, सोई मर्च, काली मर्च, ये होगी जी तंदूरी मसाला। ठीक करने हैं मिक्स, तो फिर बाकी नींबू भी पाई देने, ठीक है जी। ठीक कर रहे हैं जी मिक्स। अच्छा अच्छा एक चीज़ रह गया नमक, नमक बस हाँ थोड़ा जहा एंड विच, वैसे बेहतर होना कि बस हाँ जी असा फूड कलर गर्मियां शुरू हो गई बिजली की नहीं गई यार इसी आंख में चोली जी। सारा मसाला ले लिया हूँ तक माशाल्लाह, हूँ कि मैरीनेट होने उसे रखना तकरीबन दो घंटे वास्ते, उस बाद जोड़ा ना प्रॉपर स्टीमिंग जी शुरू होती है उसमें दसा इंशाल्लाह, ठीक है। हम मिले तक इंशाल्लाह दो घंटे बाद। बाकी मसाला भी पाई हुई सारा साफ होगा जी। अस कली मूली उपर रखनी है ताकि स्टीम जी बाहर ना पड़े। हूँ मिले हैं तुसें कि तकरीबन एक घंटे बाद, ठीक है जी। वाह, तो इधर बनी पी है जी चना चाट, या तो किसी को मसाला शाला दही शही बाकी सारा मटेरियल वो असा करेंगे इसकी मिक्स, या तो कोई भी मैं तुम्हें तो ना दसी होगा क्योंकि अज जड़ी है ना असा आंड गुमांड जी कार है ना उतें अफतारी देनी है, इस मारे ये सारा कुछ इतमाम करने पे इंशाल्लाह, क्योंकि साढ़े बाकी असन घर बाई तो चार घर है टोटल सारे साढ़े, ठीक है। इंशाल्लाह ये अज इफ्तारी देनी है, मैं तो कोई चार्ट मैं चेक करूँ क्या ही बात है। इधर भी साड़ी आंडी बनी हुई तो कलेजे का पोटे जाहरी जी कमांडी कमांड, ठीक है। अजय तार तैयार होनी भी प्लेटा मैं तक सकते हैं जब मजीद रखने चीज़ा नाल इतने दसा। अच्छा जी ये जो कच्चे जी कबाब ये शामी कबाब ये चिकन कबाब ये पता नहीं हाफ मून कहते रोल तो ये समोसे हूँ घर घर आपू फ्राई करने पे तो असा है कच्चे ही देई भेजा आपू फ्राई करी कर जिसकी जितनी लोड उसी बाकी है चीज़ा, ठीक है। बाकी स्टीम रोज तैयार होने पे वो इंशाल्लाह वो भी बाद ही जड़ा ना वो भी भेजा।
जी फाइनल लुक दसने हैं जी थोड़ी जी गर्म बूहे इस मारे कुछ चीज़ें। ऐ चेक करो दोस्तों फाइनल लुक माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तैयार हुए। उम्मीद करसा जी संगी अजनी वीडियो चंगी लगी उसी मिगी दियो इजाज़त। अल्लाह सुनने वाला है। खुदा हाफिज़।